हेलो हाय नमस्कार शालिनी मेरा नाम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टारगेट विद आलोक। आज हम बात करेंगे पद्म अवार्डी लिस्ट के बारे में जो कि रिलीज हो गई है अभी हाल में ही। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड के बारे में हम जानेंगे कि किसे किसे ये अवार्ड दिया गया है। हाँ, पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, जिसमें 29 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर शामिल है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या है कि जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, जैसे ऐसी लिस्ट तो बहुत बोरिंग होती है पढ़ाने के लिए भी पढ़ने के लिए भी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेकिन इंपॉर्टेंट होती है। इसमें से सवाल जरूर आते हैं, चाहे वो पद्म विभूषण से हो, चाहे पद्म भूषण से हो, चाहे पद्मश्री से हो। तो आपके लिए एक टिप्स है, अगर आप यूपी के से रिलेटेड एग्जाम देते हैं तो जो लोग इनमें से यूपी से हैं उनके बारे में खास जानकारी रखिए, मतलब जरूर नाम याद रखिए। बिहार स्पेशल, बिहार से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार के लोगों में जरूर जानकारी रखिए। अगर आप पीसीएस दे रहे हैं, आईएएस दे रहे हैं तो आप इसमें से सिलेक्टेड कुछ चीजें आप कोशिश करिए, पूरी पूरी तो बिल्कुल पॉसिबल लगती नहीं है मुझे कि आप याद कर पाएंगे। 102 नाम पद्मश्री के ही है तो नहीं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण अवार्ड जो है जिन लोगों को मिले हैं, क्योंकि कम है ये लोग, इनकी संख्या, इनके नाम आप याद रखिए। और बाकी जो आपके एरिया से बिलोंग करते हैं उनके नाम याद कर लीजिए, और कुछ लोग जैसे 29 महिलाएं हैं इनका नाम याद रखिए, खास करके एक ट्रांसजेंडर है वो बिल्कुल हीरो है, उसका नाम जरूर याद रखिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण मिल चुका है या पद्मश्री, पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म विभूषण अभी दिया गया है, ऐसे लोगों के नाम जरूर याद रखिए। जैसे बाला सुब्रमण्यम जी हैं, उनको पहले भी अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री है और पद्म भूषण है, अब पद्म विभूषण के लिए सम्मानित किया गया है। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, 2020 ने बहुत कुछ छीना है हम लोगों से, उनमें से उनका भी नाम शामिल है। अब ये बातें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ रखने की। अब पद्म विभूषण जो सम्मान है क्यों दिया जाता है, पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्च नागरिक सम्मान, दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, पहला कौन सा है, भारत रत्न, ये आपको पता होना चाहिए, जनरल इंफॉर्मेशन है, जो देश के लिए सैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान देने के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये जानना आपके लिए जरूरी है, कहीं ना कहीं आपको काम आ सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले को, ये बेसिकली मैंने मेंशन इसलिए किया है ताकि पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों में आपको डिफरेंस पता रहे, नहीं तो क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, खास करके पद्म विभूषण और पद्म भूषण में। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वालों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है। अब उसके नीचे आता है पद्मश्री, ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप शिक्षा के लिए ले लीजिए, चाहे कला के लिए ले लीजिए, चाहे आप उद्योग के लिए ले लीजिए, चाहे समाज में और भी काम जो है, जो उत्थान के लिए करते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए करते हैं, ये सारी चीजें जो होती रहती हैं, इनके लिए ये अवार्ड पद्मश्री दिया जाता है। पद्मश्री जनरली जो है भारत नागरिकों को ही दिया जाता है, जो भारत के अंदर ऐसे काम करते हैं, सुपर हीरो वाले जो है, फिल्मी हीरो को आप एडमायर करते हैं, इनको एडमायर करिए। आगे मैं बताती हूँ कैसे करना है। हाँ, अब पद्म विभूषण पुरस्कार 2021, ये जो है जितने भी नाम है ये आपको याद रखने होंगे। वैसे ये सारे नाम परेशान मत होइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे जो है, ये जो फाइल है आपको मिलेगी, यहां से आप ये फाइल अपने पास रख लीजिएगा एग्जाम के 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, एज आपके लिए जो सूटेबल हो उस हिसाब से आप उसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 जो है शिंजो आबे जी को दिया गया है, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, इनको जन सेवा क्षेत्र में रखा गया है। एस पी बाला सुब्रमण्यम जी जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और कला क्षेत्र में है, साउथ के लोग बहुत कलाकार होते हैं, मतलब बहुत हर चीज में, सिंगिंग में आप देख लीजिए, चाहे एक्टिंग में देख लीजिए, साउथ के लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड टाइप्स होते हैं। एस पी बाला सुब्रमण्यम जी को कला क्षेत्र में मिला हुआ है, इन्होंने इतनी भाषा में गाना गाए हैं, मतलब हमें 2 भाषाएं सीखनी पड़ जाती है, मुश्किल हो जाती है, क्या करते हैं उसको भी हम खिचड़ी बना के इंग्लिश कर देते हैं, ना ढंग से हिंदी आती है ना ढंग से इंग्लिश आती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम उसको। स्पेशली आजकल यही दिक्कत हो रही है, सीबीएसई बोर्ड वाले भी जो पढ़े हैं, आईसीएसई बोर्ड वाले भी, अगर इंग्लिश की बात करें बहुत कम लिटरेचर अच्छी होती है, बहुत कम लोग हैं, वरना आज क्या है ना, हिंदी अच्छे से आती है हमें, ना इंग्लिश अच्छे से आती है, उसी में हम सब
खराब है, और इन्होंने बहुत कई भाषाओं में गाना गाया है, 40,000 से लगभग ज्यादा गाना गाया है बाला सुब्रमण्यम जी. इनकी आवाज ही बहुत डिफरेंट थी. तो आप इनके सॉन्ग जाके सुनिएगा, बाद में मुझे थैंक यू भी बोलिएगा, ठीक है. डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला हुआ है जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं. नरेंद्र सिंह कपानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिला है, यूएसए से बिलोंग करते हैं. मौलाना वहीउद्दीन खान अध्यात्म के लिए इनको मिला है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं. ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. क्यों? क्योंकि क्या है, अध्यात्म क्षेत्र में अगर नाम आता है तो बहुत सारे लोग मिसकंसेप्चुलाइज कर लेते हैं इस चीज को कि हिंदू धर्म गुरु होंगे, उनके दिमाग में वही इमेज बनती है अध्यात्म के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे. हालांकि अध्यात्म का जो लिटरल मीनिंग होता है दोस्तों, वो ये होता है कि खुद को पहचानना, खुद को जानना. तो आपका जो है वे अलग अलग होता है. जैसे कोई योग के माध्यम से खुद को जानता है, ठीक है. कोई क्या होता है कि इन्होंने क्या है कुरान के बारे में उसका ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में भी और बाकी लैंग्वेजेस में, तो इनको उस अपनी खास पहचान के लिए ये अवार्ड दिया गया है. बीबी लाल पुरातत्व डिपार्टमेंट में दिया गया है. सुदर्शन साहू कला के क्षेत्र में, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं. अब बात करेंगे शिंजो आबे की. ये सर जापान से बिलोंग करते हैं. जनसेवा क्षेत्र में इनको दिया गया है. 2007 में जब शिंजो आबे जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कुछ ऐसे वो किए थे, ऐसे फैसले किए थे जो हमारे लिए, ऐसे फैसलों की सहमति दी थी जो हमारे और मतलब हमारे मतलब भारत और जापान के लिए बड़े ही सही थे, सही साबित हुए थे. अब क्योंकि शिंजो आबे का नाम हुआ है तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर आप जाएंगे तो देखिए क्या बात करते हैं हम. 2007 में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता शुरू हुई थी. अब ये चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई है. क्यों? इस साल आने वाले एग्जाम में, क्योंकि शिंजो आबे जी को क्या है पुरस्कार दिया गया है. तो ये चतुर्भुज योजना जो 2007 की है, जिसके बारे में आप जनरल जानकारी रखें, या जो लोग मेंस लिख रहे हैं वो थोड़ी और ज्यादा जानकारी रखें, ठीक है. और आगे आते हैं. 2007 में भारत की 3 दिवसीय यात्रा में भारत और जापान के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में लंबे इतिहास पर एक नए द्विपक्षीय एशियाई गठबंधन के लिए सहमति भी दी थी. जापान के साथ हमारे हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं. आपको बता दूं, अगर आपको मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई आप सामान खरीद रहे हैं तो चाइनीज से बेहतर प्रोडक्ट जापानीज का होता है. अगर आप सर्च करेंगे, उनकी जो टेक्नोलॉजी होती है ना बहुत ही सही होती है जापानीज की. चाइना की तरह नहीं, आज लिया कल गया तो अब तो खैर बैन हो गया है, लेकिन इन फ्यूचर कभी अगर बैन हटता है या कुछ भी तो आप अगर चेक करेंगे, जापानीज प्रोडक्ट इज मोर ड्यूरेबल देन चाइनीज प्रोडक्ट. तो अच्छा है. एसपी बाला सुब्रमण्यम जी को मरणोपरांत ये जो अवार्ड दिया गया है. कला क्षेत्र में दिया गया, तमिलनाडु से सर बिलोंग करते हैं. 50 साल का गायकी करियर रहा है उनका, मतलब सोचिए 40,000 से ज्यादा गाने गाए हैं इन्होंने, और तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम ये सारी भाषाओं में इन्होंने गाना गाए हैं, और 40 से ज्यादा फिल्मों में संगीत निर्देशक का भी काम किया है. पहले भी मैंने मेंशन किया है, फिर से मैं मेंशन कर रही हूँ कि बाला सुब्रमण्यम जी को पद्मश्री जो है पहले मिल चुका है, पद्म भूषण भी पहले मिल चुका है, और अब मरने के बाद पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है. इन्हें नहीं किया जाएगा तो क्या हम लोगों को किया जाएगा जिनको दो भाषा भी ढंग से नहीं आती? तो बिल्कुल होना भी चाहिए, वैलिड नाम है. डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े चिकित्सा के क्षेत्र में सर को अवार्ड दिया जा रहा है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं. डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े कर्नाटक के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, जो हृदय के लिए मतलब कार्डियोलॉजी से बिलोंग करते, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं इनको, आपके हृदय का ख्याल रखते थे. वे शिक्षाविद थे, प्रेरक वक्ता थे और लेखक भी थे. प्रेरक वक्ता थे, ऐसे नहीं जो आप आजकल इंस्टाग्राम पे लिखते हैं क्रिएटिव कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो वैसे नहीं थे. आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में और तभी के प्रेरक वक्ता में बड़ा फर्क है. अगर आप किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आज के इन्फ्लुएंसर और कल के इन्फ्लुएंसर में कितना अंतर है, ये चीज आपको पता चलेगा. आगे ये लेखक भी थे. इन्होंने चिकित्सा पद्धति और नैतिकता पर कई किताबें लिखी हैं. उन्हें 2010 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है. अब हम बात करेंगे नरेंद्र सिंह कपानी के बारे में, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से बिलोंग करते हैं, यूएसए से हैं, मतलब इस क्षेत्र में दिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी.
भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक भौतिक वैज्ञानिक हैं, उन्हें फोर्ब्स मैगजीन ने बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी एडिशन में अनसंग हीरोज के तौर पर नामित किया था। उन्होंने ही 1956 में फाइबर ऑप्टिक्स शब्द का इजाद किया था। कपानी फाइबर ऑप्टिक्स का जो इस्तेमाल ज्यादातर क्या होता है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है, टेलीविजन के क्षेत्र में, इन सब चीजों में होता है। कुछ ऑप्टिक्स में होता है जो जैसे मोबाइल कनेक्शन है, ज्यादा जो है बारीक टेक्नोलॉजी होती है, मतलब फास्ट टेक्नोलॉजी होती है फाइबर ऑप्टिक्स वाली, तो इसके बारे में हुआ था। लेजर, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और सौर ऊर्जा प्रदूषण निगरानी शामिल है इनमें। उनके पास 100 से अधिक पेटेंट हैं और नेशनल इन्वेंटर्स काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान अध्यात्म के क्षेत्र में दिया जा रहा है, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। 1925 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी को। इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता हैं। उन्होंने सोवियत संघ के दौरे में राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने डेमी गुस पीस इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्हें 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, मतलब पहले इनको पद्म भूषण दिया जा चुका है, अभी पद्म विभूषण भी दिया गया है। इन्होंने कुरान को सरल और समकालीन अंग्रेजी में अनुवाद किया है, कुरान पर एक टिप्पणी भी लिखा है और ये कई टेलीविजन चैनलों पर व्याख्यान देते नजर आते हैं। बीबीलाल पुरातत्व दिल्ली, दिल्ली के प्रसिद्ध पुरातत्वविद बीबीलाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक रह चुके हैं और उनकी किताब राम, उनकी ऐतिहासिकता, मंदिर और सेतु, साहित्य, पुरातत्व और अन्य विज्ञान को लेकर खासी बहस हुई थी। इसमें विवादित ढांचे के नीचे मंदिर होने की बात कही गई थी। उन्हें पहले पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। जिन लोगों को पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों दिया जा चुका है उनके नाम आप याद कर ले, जरूर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और जिनको तीनों मिला है, जैसे कि बाला सुब्रमण्यम जी, उनके नाम भी जरूर याद कर ले। उसके अलावा जो 29 महिलाएं हैं, एक ट्रांसजेंडर, उनके नाम भी आपको जरूर याद करने हैं। क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम का जो पैटर्न होता है, आपको क्या पढ़ना है ये पता हो चाहे ना पता हो, क्या नहीं पढ़ना ये पता करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं फिर से एक बात रिपीट कर दूंगी, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो जो लोग यूपी के हैं जिनको ये अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में खास जानकारी रखिए, जो लोग बिहार के हैं बिहार से जुड़े लोगों का खास जानकारी रखिए। दोनों जगह के एग्जाम देने जा रहे हैं, दोनों जगह के बारे में पढ़ के जाइए, ठीक है। अगर आप पीसीएस दे रहे हैं तो उसमें कुछ नेविगेट करेंगे आप, सारा याद नहीं कर पाएंगे, कर पाते हैं वेल एंड गुड है, आपकी प्रोफिशिएंसी पे मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं अपने जो है अस्तर से ये बात कर रही हूँ। आगे जो है बीबीलाल को भी पद्म भूषण भी दिया जा चुका है, क्योंकि इनको पद्म विभूषण दिया गया है, पहले पद्म भूषण भी दिया जा चुका है, तो इनके नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं अपनी तरफ से जितना बेहतर आपको बता सकती हूँ मैं बता रही हूँ। सुदर्शन साहू कला क्षेत्र में है, जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, मूर्तिकार है। क्या है कि ये रेत की मूर्तियां बनाते हैं, बहुत बार आपने पेपर में देखा होगा, अगर आप न्यूज़पेपर जनरली फॉलो करते हैं तो जो रेत की मूर्तियां बनाते हैं स्पेशल ओकेजंस पे, जनरली क्रिकेट स्टार के आपने देखे होंगे तो आपको मिल देख, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पिक्चर्स में अट्रैक्शन है तो आपको मिल जाएंगी रेत की मूर्तियां। को ढालने में माहिर है, उनकी कला कृतियों की प्रदर्शनी देश विदेश में प्रसिद्ध है, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, मतलब और क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों के भी चित्र उकेरते रहते हैं, पहले इनको भी पद्मश्री दिया जा चुका है। हाँ, किसी को एक अवार्ड नहीं मिलता, लोग दो दो लेके रख लेते हैं कि नहीं। पद्म भूषण भगवान किसी को देता छप्पर फाड़ के देता, कुछ देता कुछ देवे नहीं करता, किसी लायक नहीं रहते लोग। और कुछ लोग को देखिए, पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। तो पद्म भूषण जिन लोगों को दिया गया है उनके नाम है, ये मैं रिपीट नहीं करूंगी आपके लिए, बेवजह लेक्चर बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। नाम आप ही को याद करने हैं, मेरे याद करने से आपको मिलना नहीं है, तो इसलिए मैं उसको फॉरवर्ड कर दे रही हूँ, अगर अच्छा ना लगे तो माफ कीजिएगा। आगे पद्मश्री जो है, पद्मश्री जो है भारत सरकार द्वारा आमतौर पर जो है ये भारतीय नागरिक को दिया जाता है, ये तीसरा सबसे सर्वोच्च जो है अवार्ड है, दिया जाने वाला सम्मान है, जो कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, ये सारी चीजें जो है इसी में आती है। सार्वजनिक क्षेत्र इसलिए मेंशन में करना चाहूंगी क्योंकि जो आम जन है, मतलब धरातल से उठ के जाते हैं, ऐसा कुछ खास काम कर देते हैं,
जिसे कहते नहीं कहावत है गुदड़ी के लाल, तो ये ऐसे लोग होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में जिनके बारे में कोई नहीं जानता है और कोई पर्सनैलिटी, मतलब इनको कोई चाह नहीं होती, बहुत ज्यादा ये हाइप नहीं करते अपने आप को, बस अपना काम करते रहते हैं। ऐसे लोग ही बहुत बेहतर होते हैं अगर आपने आसपास आप देखेंगे, विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब आगे बाद पद्मश्री की संख्या बहुत ज्यादा है, 102 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एक नाम मैं मेंशन करूंगी जो ट्रांसजेंडर है। तो उस दिन सबसे पहली वीडियो जो मेरी गई थी वो LGBTQ कम्युनिटी पे गई थी, और आप लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, पर कुछ लोगों ने इतने बुरे कमेंट किए थे, कुछ लोगों ने हद कर दी, कहा भैया कि हमको शक हो रहा है आप भी बाइसेक्सुअल हैं, तो फिर अब तुम्हारे क्या काम का है, अगर हम हैं तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आपको क्या करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। जब अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी रख रहे हैं तो आई वुड पर्सनली रिक्वेस्ट कि कम से कम अपनी सोच तो ब्रॉड रखिए इतनी, क्योंकि कल को आप ऐसा तो नहीं, तैयारी किस लिए कर रहे हैं बताइए, आप प्री देने के लिए या मेंस देने के लिए, या डायरेक्ट आप इंटरव्यू फेस करें और आपको जॉब मिले माशाल्लाह, इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हाय दिया कि हम प्री निकाल लिए हम मेंस बना लिए, इस भीड़ में शामिल होना है। इंटरव्यू तो कैसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, फिर आप उनको रोकेंगे हमसे कैसी बात कर लिए, LGBTQ की बात क्यों कर लिए, हो सकता है इंटरव्यू लेने में LGBT कम्युनिटी का कोई शामिल हो, आप ऊट पटांग बोल दें फिर बाहर हो गए आप, तो ऐसी सोच मत रखिए ना, कम से कम सेंसिटिव रहिए लोगों के प्रति, जब तक आप सेंसिटिव नहीं रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या है आप पढ़ क्यों रहे हैं, क्या वजह क्या है पढ़ने की, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आप वर्क करेंगे, पब्लिक के लिए ही काम करेंगे, ये जो मुद्दे जनरल में उठा के ले आ रही हूँ किसके हैं, पब्लिक के हैं, मेरे नहीं है, मेरे घर के मुद्दे नहीं ला रही हूँ मैं, ये सारी चीजें आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में हर जगह आपको काम आएगी, इंटरव्यू में खास करके, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, जैसे आज के वीडियो पूरी तरह से पढ़ाई बेस्ड है, ये हर जगह आप रटेंगे इनके नाम, एग्जाम में आएंगे आपको काम करेंगे, लेकिन बाकी वीडियो जो मैं देती हूँ जनरली जनरल टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जो आज के आपके आसपास के हैं, कल को आपको पब्लिक के लिए काम करने हैं, मुद्दे भी पब्लिक के ही सुलझाने हैं, जब ऐसी सेंसिटिव टॉपिक जिसमें आप ऑलरेडी डिसीजंस आ चुके हैं उन पर आपको ऑकवर्ड लग रहा है, कल को भाई ऐसा भी हो सकता है कुछ अजूबा आप देख लें जिसकी रिपोर्ट आपको करनी हो और उसके बारे में कोई डिसीजन ना ही आया हो, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में भी कोई ना कोई पहला केस आया होगा, है कि नहीं, LGBT कम्युनिटी के बारे में किसी ने पहले सोचा होगा, है कि नहीं, तो आपके ऊपर आ जाएगा तो आप सीधा पता नहीं क्या कर देंगे, तो आप थोड़ा सेंसिटिव होकर सोचिए, क्योंकि आप किसको सर्व करने जा रहे हैं, पब्लिक के लिए सर्व करने जा रहे हैं, जो कि आपको बहुत लोगों को डील करना पड़ेगा, तो इनसेंसिटिव होने से काम नहीं चलेगा। इंटरव्यू के बारे में भी सोचिए, ये 102 नाम दिए गए हैं जिसमें मैं मेंशन नहीं करूंगी सारे नाम, सिर्फ एक नाम के बारे में आपको जानकारी दूंगी क्योंकि वो ट्रांसजेंडर है, तो उनके लिए ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यहाँ पे किसी का क्या होता है कि थोड़ा बहुत भी कोई खराबी होती है लोग हंसी मजाक उड़ाने में पीछे नहीं छूटते हैं, तो इन्होंने तो भाई भारी काम किया है। हाँ, 102 मजम्मा जोगाठी कला क्षेत्र में इनको मिला है, कर्नाटक से बिलोंग करती हैं, इनकी ये तस्वीर है, तो इन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि आम जन हम क्या करते हैं कि हर चीज से एकदम फिट होते हैं, ऐसा नहीं कि हम ट्रांसजेंडर को अनफिट कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो वो चीज तो हमें बर्दाश्त होती नहीं है, तो इनकी उपलब्धि जो है मेंशनेबल है, बहुत उम्मीद है कि इनके नाम पूछे जा सकते हैं। कुछ ऐसे नाम मैं आपको बताऊंगी पद्म पुरस्कारों में, जो समाज सेवी का मैं नाम ले रही थी पहले कि ये खास होते हैं, बहुत ही कम लोग इनको जानते हैं, तो उनके बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगी, जिनके बारे में अगर आप पॉजिटिव सोच वाले हैं तो आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, दुलारी देवी बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाली हैं दुलारी देवी जी, और इन्होंने क्या किया, दुलारी जी घर घर झाड़ू पोछा किया करती थी, और बाद में उन्होंने पेंटिंग बनानी शुरू कर दी, अब तक वह लगभग 7,000 मिथिला पेंटिंग बना चुकी हैं। अक्सर आप देखते हैं पेंटिंग सिंगिंग ऐसे सिंगर जो है लगभग अपर मिडिल क्लास से आते हैं, क्यों, क्योंकि उनको वो रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, आप देख रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी कमल खिल सकता है, इस बारे में बीजेपी से ना जोड़ दीजिएगा, बता रही हूं मैं, और लगभग 7,000 मिथिला पेंटिंग अभी तक बना चुकी है, टैलेंट भाई कहीं से भी निकल के आ सकता है। डॉक्टर टी वी राघवन नॉर्थ चेन्नई से हैं, डॉक्टर सर क्या था कि 2 रुपए में देखते थे अपने पेशेंट्स को, मतलब किसी को 2 कौड़ी का कहे तो ना जूता उठा के मारेगा, और इन्होंने देखो 2 रुपए में वो पेशेंट को देखते थे, बाद में स्थानीय डॉक्टरों ने इनका बहुत भारी विरोध किया कि भैया ये क्या है, हम तो लोगों का घर लूट ले रहे हैं और तुम 2 रुपए में देख रहे हो, ऐसा कैसे है। उसके बाद इनका वो देखिए हट, देखिए हट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव दिशा में अगर है तो अच्छा भी साबित होता है। इन्होंने क्या किया,
कि वो जो 2 रुपए लेते थे वो भी बंद कर दिए, क्योंकि जो स्थानीय डॉक्टर वो कह रहे थे कम से कम अपनी फीस 100 रुपए तो रखो, इन्होंने वो भी नहीं रखी। और आप अपने आसपास के डॉक्टरों को देखो, भगवान मालिक है क्या बोले हम, छोड़ो जाने दो। वो अपने हॉस्पिटल में जितनी फैसिलिटी होगी आपके कहीं भी, मतलब थोड़ा सा दर्द बता देंगे आपको, तरह तरह का एक्सरे लिख देंगे, क्या पता MRI भी लिख दें। तो ऐसे डॉक्टरों को ना अगर आप थोड़ा बहुत भी अवेयर है, इनका पैम्फलेट लगा के जाके चिपका के चले आएगा, थोड़ी तो बुद्धि खुले कि लूटे ना दुनिया से जाना है। तो ये भी डॉक्टर TB राघवन को भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, छुटनी देवी, झारखंड की रहने वाली छुटनी देवी जो है समाज सेवा के लिए जो है जानी जाती हैं, इनको क्या है कि उसके लिए डायन बता के इनको निकाल दिया गया था घर से। हद हो गई, मतलब क्या ही बोला जाए, डायन कह के निकाल दिया घर से। इन्होंने क्या काम किया, खिलाफ अभियान शुरू किया इस सब बातों के खिलाफ, और ऐसी प्रताड़ित 62 महिलाओं को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। ये लोग होते हैं सुपर हीरो। सुजीत चट्टोपाध्याय, पद्मश्री से सम्मानित 78 वर्षीय सुजीत चट्टोपाध्याय पूर्वी वर्धमान के अपने घर में पाठशाला चलाते थे, और 15 वर्ष से वह शिक्षा दे रहे हैं, और साथ ही थैलेसमिया जैसी बीमारी के खिलाफ जो है थैलेसमिया जैसी बीमारी के लिए अवेयरनेस फैला रहे हैं। एक चीज मैं एडिशनल मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे कि अगर कोई आपके आसपास थैलेसमिया का पेशेंट है या HIV पॉजिटिव का पेशेंट है, ये कुछ ऐसे पेशेंट है जिनके बारे में चाहे प्राइवेट ब्लड बैंक हो चाहे गवर्नमेंट ब्लड बैंक हो, वहां पे ब्लड जो है वो फ्री में दिया जाता है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट थैलेसमिया का कोई बच्चा मतलब दिख जाए कि उसको ब्लड की जरूरत है, तो आप जाइएगा चाहे प्राइवेट ब्लड बैंक चाहे गवर्नमेंट ब्लड बैंक, उनको जरूर बताइएगा कि भैया जो ब्लड है उसके पैसे आप नहीं ले सकते क्योंकि वो फ्री में, आपको अवेयरनेस होती नहीं है जिसका वो गलत फायदा उठाते हैं, खासकर प्राइवेट ब्लड बैंक। कुछ मैं सबको मतलब सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है, तो ये अवेयरनेस आप भी रखिए ताकि आप आसपास लोग अगर आपको मिलते हैं, ये मौका खास मौका आपको मिलता है, तो ऐसे लोगों की मदद करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा एग्जाम के 15 दिन पहले, जैसे आपको सूटेबल हो 1 महीने पहले आप इन नामों को रख लीजिएगा, खास नामों को। बाय, टेक केयर।